देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज और मैं हूँ प्राची तिवारी। अक्सर जब हम अपने देश के राजा महाराजाओं का जिक्र करते हैं तो उनकी गहनों से लदी राजसी ठाटबाट के साथ हाथी और बड़े बड़े रथों पर सवारी करते हुए तस्वीर हमारे जहन में आती है। लेकिन हमारे देश में सभी राजा ऐसे नहीं थे जो हाथियों की सवारी करते थे, बल्कि हमारे देश में एक ऐसे राजा भी थे जिन्हें महंगी गाड़ियों का बड़ा शौक था। और महंगी गाड़ी भी कोई ऐसी वैसी कंपनी की नहीं, बल्कि रॉल्स रॉयस। जी हाँ, राजस्थान में अलवर के महाराजा जय सिंह, जिन्हें रॉल्स रॉयस गाड़ियों का बड़ा ही शौक था। मगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल वो अपने लिए नहीं करते थे, बल्कि वो इन गाड़ियों से कूड़ा उठवाया करते थे। और ऐसा वो क्यों करते थे, जब आप ये जानेंगे तो आपको वाकई बड़ी हैरानी होगी। ये बात साल 1920 की है, जब राजा जय सिंह अपने लंदन भ्रमण के दौरान एक दिन सीधे सादे कपड़ों में लंदन की बॉन्ड स्ट्रीट की सैर कर रहे थे। इसी बीच उनकी नजर वहां रॉल्स रॉयस कार के शोरूम पर पड़ी। ये कार उन्हें देखने में इतनी खूबसूरत लगी जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस कार को खरीदने का फैसला कर लिया। जिसके बाद महाराजा जय सिंह उस शोरूम के अंदर गए। शोरूम के सेल्समैन ने राजा के कपड़े देखकर उन्हें अन्य भारतीयों की तरह मानते हुए बुरी तरह से उनकी बेइज्जती करके शोरूम से बाहर निकाल दिया। शोरूम में हुई बेइज्जती के बाद महाराजा जय सिंह अपमान का घूंट पिए अपने होटल के कमरे में वापस आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वो तुरंत शोरूम के मालिक के पास जाएं और उनसे कहें कि उन्हें उनकी रॉल्स रॉयस कार खरीदनी है। जिसके बाद महाराजा अपने सेवकों के साथ शोरूम में पहुंचे, लेकिन इस बार वो साधारण कपड़ों में नहीं बल्कि अपनी महाराजा वाली पोशाक में पहुंचे। जैसे ही शोरूम के मालिक को पता चला कि जिसको उन्होंने बेइज्जती करके बाहर निकाला है वो भारत में अलवर के महाराजा जय सिंह है, बस फिर क्या था, शोरूम के मालिक ने महाराजा जय सिंह के पहुंचने से पहले ही खूबसूरत लाल कारपेट जमीन पर बिछा दिया और सारे सेल्समैन बड़े ही सम्मान से सिर झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। तब राजा ने शोरूम में मौजूद सभी 7 कारों को खरीद लिया और कारों की कीमत के साथ उन्हें भारत पहुंचाने का खर्चा भी शोरूम के मालिक को देकर वापस भारत लौट आए। महाराजा जय सिंह ने अपने अपमान का बदला सिर्फ कार खरीद कर ही नहीं लिया, बल्कि उन्होंने भारत आकर नगर पालिका को ये आदेश दिया कि वो रॉल्स रॉयस की सभी 7 कारों को ले जाकर उसे कूड़ा उठाने के इस्तेमाल में लें। बस फिर क्या था, रॉल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल अलवर में कूड़ा कचरा उठाने के लिए किया जाने लगा। जैसे ही ये बात पूरे विश्व में फैली कि भारत में रॉल्स रॉयस कारों का इस्तेमाल कचरा उठाने के लिए किया जा रहा है, बस फिर क्या था, कंपनी की साख मिट्टी में मिल गई। इसके बाद तो यूरोप और अमेरिका में ये हाल था कि अगर कोई कहता था कि हमारे पास रॉल्स रॉयस कार है तो हंसकर हर कोई पूछता था, वही कार जिससे भारत में कचरा उठाया जाता है। इस समाचार ने रॉल्स रॉयस की इज्जत को तार तार कर दिया और कंपनी की बिक्री पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरे अमेरिका और यूरोप में लोगों के बीच इस ब्रांड को लेकर हीन भावना सी पैदा होने लगी। इस तरह से कंपनी की प्रतिष्ठा के लगातार गिरने से कार की खरीद दिन ब दिन कमजोर होती चली गई, जिसकी वजह से कंपनी के मालिक की आमदनी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई। कंपनी का बुरी तरह घाटा हो रहा था, जिसके बाद कंपनी के मालिक ने महाराजा जय सिंह को एक माफी लिखित में भेजी। और यही नहीं, उसके साथ ही उन्होंने 6 और रॉल्स रॉयस गाड़ियां महाराजा जय सिंह को उपहार में दी और उनसे गुजारिश की कि अब वो रॉल्स रॉयल गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दें। जब राजा जय सिंह को ये पता लगा कि रॉयल रॉयस वालों को उनकी गलती का सबक मिल चुका है और महाराजा को तसल्ली हो गई कि कंपनी अब अपनी गलती पर शर्मिंदा है, तब जाकर राजा ने उन कारों से कचरा साफ करना बंद करवाया। उस वक्त ब्रिटिश के नागरिक भारत के लोगों को बड़ा ही गंदा और तुच्छ समझते थे, लेकिन महाराजा जय सिंह ने ब्रिटिश की सबसे बड़ी कंपनी रॉल्स रॉयस की गाड़ियों से कचरा उठाकर ब्रिटिश को उनकी हैसियत दिखा दी और साथ ही भारत का रुतबा कहीं गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इतिहास के पन्नों में ऐसे कई राजा महाराजा हैं जिनकी कहानियां बेहद दिलचस्प हैं,
ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए ग्रामीण न्यूज के साथ। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।